जब हम छोटे थे ना, तो मैं और मेरी बहन जब चाट वाले के पास जाते थे गोलगप्पे खाने, तो बड़े अचंभित हो जाते थे। हमको लगता था भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि ये ऐसे इनको फुला देता है एकदम गुब्बारे की तरह। तो हम लोग ढूंढते थे क्या उसके पास कोई पंप है क्या, मतलब यू नो, जिसकी जिससे वो पानी पूरी में या गोलगप्पे में हवा भरती है। एंड गोलगप्पा इज़ लाइक दैट, इट्स फैसिनेटिंग, है ना, कि मतलब सारी दुनिया की डिशेज एक तरफ, लेकिन हर बार आप उस गोलगप्पे को देखते हो और सोचते हो इसमें इसमें हवा कैसे भरी। तो आज गोलगप्पों में हवा भरते हैं, बनाते हैं पानी पूरी, पानी में बनाएंगे, लेकिन वो अभी म्यूजिक आने वाला है उसके बाद। कॉलिंग एंड एक्शन। गुनगुना पानी, वार्म वाटर, जो हम धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे, और इसे नमक डाल देता हूँ, थोड़ा नमक, और ये है वार्म वाटर, और इसको लेना है गूंद, और इसको गूंदते समय ये ध्यान रखना है कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा करना पड़ जाए तो अच्छा है। और सूजी दो किस्म की होती है, एक होती है बारीक, एक होती है मोटी। तो अगर सूजी गोलगप्पे बनाने हैं तो सूजी मोटी लेनी है, ये लीजिए, डन हो गया जी। आइए जरा ध्यान से देख लीजिए एक बार, ये माजरा क्या है, ये देखिए, अगर आप दबाएंगे तो धीरे धीरे बाउंस बैक करेगा, इतना टाइट डो है। ये मलमल गीला किया, ये लीजिए। अब इस डो को कम से कम आधा घंटा छोड़ना है, और कोई ऑप्शन नहीं। लोग बोलते हैं कि बेकिंग सोडा डाल दो, बेकिंग पाउडर डाल दो, जल्दी हो जाएगा। आधा घंटा अगर डो रेस्ट नहीं होगा तो आपकी पूरी जो है वो मज़े की नहीं बनेगी। मतलब अगर आप डो रेस्ट नहीं करेंगे तो बनाने जाएंगे पूरी, बन जाएगी पापड़ी, और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था, रेस्टिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब तो बड़ा ही सिंपल काम है, पानी भी बना लेते हैं। और पानी के लिए तो दो भाग पुदीना। देखिए पुदीना डालने से लोग क्यों डरते हैं, पुदीना डालने से लोग इसलिए डरते हैं कि पानी काला हो जाता है, और ये फैक्ट है, पुदीना डालने से पानी काला हो जाता है। लेकिन अगर आप पुदीना नहीं डालेंगे तो पानी में टेस्ट भी नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं है कि धनिया ज़्यादा डालना है, धनिया हाफ, पुदीना डबल। चाट जो शब्द है ना, वो चाटने से आता है। तो भाई ये कहा जाता है कि जब तक आप प्लेट चाटे ना तो फिर चाट कैसी हुई। और चाट का जो ओरिजिन है, आजकल चाट मैक्सिमम डाइट्स ब्रेक करती है, लेकिन चाट का जो ओरिजिन है वो एक किस्म की खुराक के लिए, डाइट के लिए हुआ जो सेहत के लिए अच्छी। हमारे शरीर को कई बार बहुत सारे मसाले चाहिए होते हैं, जीरा चाहिए होता है, अजवाइन चाहिए होती है, जब मौसम बदल रहा होता है या पानी ख़राब होता है, तो बहुत सारे मसाले अगर आप ऐसे खाएंगे तो आप खा नहीं पाएंगे। तो उन मसालों को एक छोटे पोर्शन के खाने के ज़रिए देने का जो रास्ता है वो चाट। एक आ जाता है कि जब शाहजहानाबाद बसा, यानी कि आज की दिल्ली, जब आगरा से कैपिटल शाहजहानाबाद आया, तो वहाँ पर यमुना का जो पानी था वो बहुत वो अच्छा नहीं था लोगों के लिए। तो लोगों को एडजस्ट होने में टाइम लग रहा था, तो शाहजहान जो थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, तो उनको ये बोला गया कि भाई देखिए, अगर आपको इस पानी के बुरे असर को काटना है तो आपको मसालों और घी में पकी हुई चीज़ों को खाना पड़ेगा, लेकिन पोषण कम रखेगा वरना पेट खराब हो जाएगा। तो उस तरह से कहा जाता है कि जो उस समय बनारस में लोग बसे थे, आके आगरा और बनारस के लोग जो बसे थे दिल्ली में, तो 1639 से 1648 के बीच में आज का दिल्ली, कल का शाहजहानाबाद बसा, और फिर उस समय से चाट जो है वो फेमस हो गई। उससे पहले भी बनारस में चाट बनती थी, क्योंकि गंगा है, मौसम बदलता है, लोगों के पेट खराब होते थे, लोगों को समझ थी चाट की, बनारस के लोगों को, लेकिन उसको फेमस किया दिल्ली में शाहजहानाबाद बसने के बाद शाहजहां। और अब डो लिया, थोड़ा सा तेल लगा लिया भट्टे में, जितना बारीक आप बेल सकते हैं उससे थोड़ा कम बारीक बेलना है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है इसको,
लेकिन मोटा नहीं रखना। उसके बाद कोई भी लगभग इस साइज का कटर लेके उसको काट लेना, ठीक है, और इसको ढक दिया। ढकना बहुत जरूरी है, सूखना नहीं चाहिए। सूख गया ना तो ऊपर स्किन बन जाएगी, और स्किन बन गई तो फिर वो डेफिनेटली नहीं खुलेगी। हाय राम, करें एक ट्राई। चलो लो भाई भगवान का नाम, क्या बगैर पंप के भर दी ना हमने हवा। Done, easy, no rocket science. Oil medium hot. You know what? To tell you the truth, मैंने आज तक जिंदगी में पानी पूरी की पूरी नहीं बनाई। आज मैं पहली बार बना रहा हूं और बना के खड़ा होके ये सोच रहा हूं कि 42 साल की उम्र तक मैंने ये जादू मिस किया अपनी लाइफ से। It is so beautiful. कुछ फूलती है, कुछ नहीं फूलती है, जो फूलती है उसे देख के खुशी होती है, जो नहीं फूलती है उसको देख के मायूसी होती है, और इस तरह गाड़ी चलती रहती है, जस्ट लाइक लाइफ। ये आलू लिया, आलू को अच्छे से मैश किया, उसके अंदर डाला थोड़ा सा जीरा भुना हुआ, थोड़ा काला नमक। उसके बाद भाई अगर लखनऊ में है तो चना डाल लीजिएगा, अगर बम्बई में है तो ऐसे मूंग डाल लीजिए। इसमें थोड़ा चाट मसाला, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा जीरा, और तो ये मिक्सचर बना के रख लिया आलू का। ये काम लास्ट मिनट करना है कि पानी में जो खटास है ना वो लास्ट में डालनी है, क्योंकि जैसे ही आप पानी में खटास डालेंगे पानी का रंग खराब होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो इसलिए पानी में खटास तब डालें जब आप खाने वाले हैं, या किटी पार्टी होने वाली है, बर्थडे पार्टी होने वाली है, डिनर पार्टी होने वाली है, राइट बिफोर द पार्टी उसमें डाल दें खटास और बर्फ। डन, और पानी में डाल दी बूंदी, तो जी हमारा पानी हो गया रेडी। तो अब लगाते हैं पानी पूरी का ठेला, रेडी हैं? तो भैया ठेले की तैयारी करी जाए। आजकल एक बहुत कॉमन टेक्निक जो है वो बड़ी फेमस है, मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी से बोलते हैं स्फेरिफिकेशन। उसमें किसी भी चीज़ के अंदर आपको पानी भर के देते हैं और आप उसे खाते हैं तो आपके मुंह में एक एक्सप्लोजन होता है ना। और मैं हमेशा हंसता हूँ जब मेरे को बाहर के शेफ स्फेरिफिकेशन दिखाते हैं, क्योंकि हमारे गोलगप्पे में स्फेरिफिकेशन बहुत सदियों से होता है। यू नो, इट्स द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्फेरिफिकेशन, जहाँ पर बाहर एक केसिंग बनाई जाती है, उसके अंदर एक लिक्विड डाला जाता है और आप जब मुंह में उसे डालते हैं तो एक्सप्लोजन होता है। सो फॉर मी द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ स्फेरिफिकेशन इज गोलगप्पास, एंड ऑल्सो फॉर मी ये जो मॉलिक्यूलर गैस्ट्रोनॉमी है ना, इससे बाहर निकल के अपने खाने को देखना बहुत जरूरी, क्योंकि सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। लो जी, लग गए हमारी चाट की दुकान, है ना। अब होपफुली कुछ बच्चे आएंगे और ये पानी के बताशे देख के सोचेंगे कि गोलगप्पे में हवा कैसे भाई। आप चलिए गोलगप्पा बनाते हैं बढ़िया सा एकदम। ये देखिए, वे आर नो लीकेज। हम्म,